साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा फार्मिंग में। भाइयों आज की जो ड्यूटी है, आज की ड्यूटी है टीलर के खुरपे बदलने की। टीलर कल्टीवेटर, इसके खुरपे लेके आए हैं हम, तो उन्हें बदलेंगे और पूरी वीडियो दिखाते रहेंगे। कैसे खुरपे हैं, कहाँ से खरीदे और कितने पैसे के खरीदे, और टीलर कैसे चलाना चाहिए, टीलर की टाइनों की लंबाई कितनी है, और टीलर का जो टोपलिंग जहाँ लगता है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। एक्चुअल काफ़ी मेरे भाइयों को पता नहीं है कि कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, कहाँ सेट होना चाहिए, तो सारी जानकारी वीडियो में मिलेगी। वीडियो लास्ट तक देखें, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। साथियों ये खुरपे लेके आए थे हम, ये देखो ये खतौली से खरीदे हुए हैं, और जो बता के दिए हैं वो हीरो टाटा के हैं। ये देखो ये मार्का देख सकते हो आप, इसमें टाटा का। तो ओरिजिनल खुरपे हैं ये, कितना वजन है, कैसे खुरपे हैं, कितने के लिए, सारी वीडियो में जानकारी मिलेगी आपको। ये पूरा सेट है नौ का, तो ये 10 किलो के आसपास वेट था इसका टोटल। और ये हैं इसके बोल्ट, कुछ छोटे कुछ बड़े। ये ग्रीस का डब्बा है, थोड़ी थोड़ी ग्रीस लगा देंगे इनमें, इससे अगली बार घिसे तो खुलने में आसानी रहे इनमें। ये अपने कुछ पुराने हैं बोल्ट, ये देखो कुछ कामयाब हैं। वैसे इनकी जो टोपी घिस जाती है वो वाला नहीं लगाना चाहिए हमें, ये इनकी टोपी है अभी, कुछ बिना टोपी वाले भी हैं यहाँ। तो ये देखो ये घूम जाते हैं, और ये टूल किट अपना, ये देखो। तो इन्हें चेंज करेंगे, बदलेंगे, निकाल खाली तो पहले ही हटा रखे हैं वो। ये देखो टीलर की बात करूं तो हरियाणा एग्रीकल्चर का टीलर है ये, शामली से ख़रीदा हुआ। इसकी दो तीन खासियत हैं, टीलर तो सब बढ़िया ही बनाते हैं अपनी तरफ से, पर क्यों ख़रीदा हमने शामली से ये भी जानकारी देंगे। इसे देखो आप, ये एंगल का बना हुआ है, और ये है इसकी गुच्छे वाला गोली मक्खी गुच्छा। ये तो इसकी एक तो स्प्रिंगों की मोटाई देख लो आप, साधारण जो टीलर हैं सभी जगह बन रहे हैं उनकी देखो। और इसका जो वेट है वो लगभग 2 कुंटल 30-32 किलो है टोटल वेट इसका, और देखने में ऐसा लगेगा कि हल्का सा टीलर है, और चलता बहुत ढाल है। आइसर पे भी चला के देखा हमने, क्योंकि आइसर भी था पहले, और इस पे मैसी पे या कोई सी भी ट्रैक्टर पे आप चला लो, ढाल चलेगा, लगेगा कि आपको हाँ वाकई ढाल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं तेल का खर्चा भी बचा देगा थोड़ा बहुत आपका, और गहरी जुताई। अब ये देखो हमने ख़रीदा था ये 2020 में, 2020 में 21,000 रुपये का आया था उस टाइम ये, और आज के जो रेट हैं लगभग 26-27 हज़ार के हैं इसके, क्योंकि लोहा हमेशा बढ़ता ही रहता है, जो बढ़ जाता है वो घटता तो है नहीं। तो नए जैसा ही दिख रहा है, अभी चलाई तो बहुत है इसकी, अब तीसरी बार खुरपे बदले जाएंगे, आप देख लो चलाई तो आप देख ही सकते हो, फिर तीसरी जोड़ी खुरपे इसमें डलेंगे। और पुराने खुरपे आपको जल्दी बदल देने चाहिए, जब 30% रह जाएं वो तभी बदल देने चाहिए, क्योंकि फिर ये जो टाइन होती हैं पीछे से ये घिसने लगती हैं। ये देखो अब तो ये पूरी की पूरी हैं, फिर यहाँ से घिसने लगती हैं, खुरपे बचाने के चक्कर में टाइन घिस जाती हैं और इनका कोई इलाज नहीं फिर, तो इसलिए समय से बदलने चाहिए। देखो ये इसकी जो टाइन है एमजी मद्रास की हैं, और टैन भी लंबी वाली टैन का है। यहाँ से देखो, यहाँ से दिखाई देगा पूरा का पूरा, ये देखो लंबी टाइन का कल्टीवेटर है, इसकी लंबाई भी नापेंगे, टेप ले रहे हैं हम तो इसकी लंबाई भी चेक करेंगे कितना है इसकी लंबाई, और दूसरे वालों की कितनी होती है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। आगे वाले खुरपे तो लगा दिए हैं और पीछे वाले लगाएंगे अब, तो एक बार मैं टाइन और दिखा दूँ आपको, टाइन की लंबाई कितनी है इन टाइनों की। देखो जी अगले वाले खुरपे लगा के, और
ये देखते हैं, अब टाइन की लंबाई चेक करते हैं कितनी है, क्योंकि क्या है कि टाइन से ही पता चलता है भाई फीलर लग कितना रहा है, क्या स्थिति है। ये पकड़ेंगे इसे, हाँ जी, ये देख लो जी, पूरे ये देखो 28 इंच पर टाइन है, ये ऐसे घूम कर रही है, 28 इंच लंबी है टाइन इसकी, बाकी 25 की आती है ज़्यादातर टीलरों में, किसान भाई चेक करके देख सकते हैं अपने अपने टीलर की। तो अब पीछे वाले भी खुरपे लगाएंगे, उसके बाद देखते हैं इसकी टॉप की ऊंचाई कितनी है, टॉप की ऊंचाई होनी कितनी चाहिए। और ये ग्रीस, तो ग्रीस लगा के अगर हम अगली बार चेंज करेंगे तो हमें खोलने में आसानी रहेगी, नहीं तो कावले क्या है कि तोड़ने ही पड़ते हैं इसमें। पूरा टाइट कर लें, छोटे वाला होगा, ये छोटे वाला है, ये पुराने भी निकाल लें जो ठीक ठीक से हैं, क्योंकि इनका पिछला हिस्सा तो घिस ही जाएगा फिर, तो फिर इन्हें हम तोड़ देंगे जब अगली बार इन्हें चेंज करेंगे। ये देखो जी, ये आ गया, दूसरा लगाएंगे। तो भाइयों सारे के सारे खुरपे लग गए, रेडी है टीलर, खुरपे उरपे लग के सारा तैयार है। तो अब चेक करेंगे इसकी, इसे उठा के इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है यहाँ से, ठीक है जी। ये रहा अपना स्टेप जेके सुपर सीमेंट का, इसे करते हैं चेक। ये टॉप की ऊंचाई होनी कितनी चाहिए, ये देखो जी, यहाँ से देख सको आप 41 इंच आ रही है, तो 41 इंच से कम तो होनी नहीं चाहिए। अब कारण क्या है कि ट्रैक्टर की होती है 36 से 38 इंच ट्रैक्टर का जो टोपलिंग लगता है जहाँ, तो इसमें क्या होगा 5 इंच का फ़र्क आया और 5-6 इंच ही टीलर ज़मीन में चलेगा तो लेवल आ जाएगा, और अगर हम इसकी ऊंचाई कम रहेगी हमारे, किसी की 38 रहती है किसी की 39, तो नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा तो सीधी टक्कर नहीं मारेगा, सेंसिंग कम करेगा। तो यहाँ ट्रैक्टर भी खड़ा अपना,
तो साथ के साथ इसमें चेक भी कर लेंगे कि इसकी ऊंचाई है कितनी इसकी। तो इससे एक अंदाजा सा हो जाएगा कितनी होनी चाहिए, और टायरों का हिसाब भी फिर, क्योंकि इसमें 13 के टायर हैं और इसमें 14 के टायर वाले ट्रैक्टर हैं, उनमें थोड़ी सी और बढ़ जाएगी ऊंचाई, उनमें 42 इंच भी कर सकते हो। तो ये ध्यान बहुत जरूरी है रखना। तो ये देख सको आप, पूरे 36 इंच आ रहा, 3 फीट पर आ रही है इसकी, इसकी जो ऊंचाई आ रही है 36 इंच आ रही है, उसकी आ रही है 41, तो 5 इंच का अंतर हुआ। तो वही 5 से 6 इंच टीलर चलेगा जमीन के अंदर, तो ये लेवल सा हो जाएगा। तो अगर पीछे से टोपलिंग झटका देगा तो तुरंत ही सेंसिंग करेगा ये, अगर वो नीचा रहेगा तो झटका कम देगा, सेंसिंग कम होगी। तो इस तरह से आप, हाँ, छोटे ट्रैक्टर से भी और अच्छे इम्प्लीमेंट हों अगर, तो अच्छी जुताई कर सकते हो। ऐसे नहीं कि बड़ा ट्रैक्टर है या मैसी है किसी के पास या कोई सा है वही अच्छी जुताई करेगा, ऐसा नहीं है। सेंसिंग का खेल है और इम्प्लीमेंट का। एक तो तुम्हारे इम्प्लीमेंट दमदार होने चाहिए, सही सटीक बिल्कुल, तो उसी से अच्छी जुताई होगी तारी, और बढ़िया परफॉर्मेंस ट्रैक्टर भी देगा, फ्यूल का खर्चा भी कम होगा उसमें। अब हमने खुरपे बदल दिए इसके, जबकि 30-35% खुरपे बच रहे थे, और ना बदलते तो इसकी एक तो टायन घिसने लगती, उधर लोड तो ट्रैक्टर पर पूरा, जुताई होती नहीं। तो इसीलिए सभी भाइयों से कहना है भाई, सही इम्प्लीमेंट चलाएं और सही तरीके से चलाएं। अगर तरीका बढ़िया रहेगा तो 100% बढ़िया परफॉर्मेंस देगा ट्रैक्टर। तो ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, और इस तरह ही आगे वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।